नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एग्री गुरु जी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण सीजीपीएटी के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टमाटर में लाइकोपीन निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान होता है 21 से 23 सेल्सियस। गाजर में एंथोसाइनिन निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान होता है 15 से 21 सेल्सियस। भारत में एक जूट की गांठ का वजन होता है 180 केजी। राजस्थान सबसे अधिक किस तिलहन फसल का उत्पादन करता है? सरसों। बेर की फसल का प्रमुख कीट है फल मक्खी। पशुओं में गलघोंटू रोग किससे होता है? जीवाणु से। पाइनएप्पल किसकी उन्नत किस्म है? माल्टा। भेड़ की कराकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया है। भेड़ की मेरीनो नस्ल की उत्पत्ति स्थल है स्पेन। बकरी की सिंह रहित नस्ल है टेगन बर्ग। बकरी किस नस्ल की दूध की रानी की संज्ञा दी जाती है? सानेन। राजस्थान के लिए बकरी की सबसे अच्छी नस्ल है जख राना। बकरी की द्विपरियोजनीय नस्ल कौन सी है? जमुनापारी या सिरोही। गाय की कौन सी नस्ल को किसानों के लिए सबसे अच्छी मानी गई है? हरियाणा या हरियाणवी। किस गाय के शरीर का रंग लाल ईंट के समान होता है? राठी। किस गाय के कान केले की पत्ती के समान होते हैं? गीर। किस गाय का उपयोग किसान किसी कार्य के लिए करते हैं? नागौरी। सर्वाधिक लैक्टोज किस गाय के दूध में पाया जाता है? साहीवाल। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल है कांकरेज। ओगल गाय का उत्पत्ति स्थल आंध्र प्रदेश है। किस गाय के गल कंबल पाया जाता है? कांकरेज। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है। कृषि फार्मों पर भैंस की कौन सी नस्ल पाली जाती है? नीली रावी। किस भैंस के सींग हसिया के आकार के होते हैं? सूरती। भैंस की नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? मुर्रा। भैंस की किस नस्ल का रंग जेट ब्लैक होता है? मुर्रा। सबसे लंबा दूध काल किस भैंस का होता है? मेहसाना 289 दिन। भैंस की मेहसाना नस्ल का संकरण है मुर्रा इंटू सूरती। भैंस की मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाने वाली नस्ल है जाफरावादी। भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है? भदावरी 8 से 13%। सर्वाधिक वसा किस पशु के दूध में पाई जाती है? भेड़ 7.9%। भेड़ की किस नस्ल का आकार नाव त्रिभुजाकार के समान होता है? भदावरी। राजस्थान की मेरीनो किसे कहते हैं? चोपला। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है?